वो कौन से 10 प्रोजेक्ट हैं जो अगर आपके पोर्टफोलियो पर हो, अगर आपके रेज्यूमे पर हो, तो रिक्रूटर क्या हायरिंग मैनेजर सब आपके पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि ये उतनी इजी नहीं है, इनमें बहुत सारी जटिलता है, कॉम्प्लेक्सिटी है। आइए देखें। सबसे पहला ई कॉमर्स ऐप। आप बोलोगे भैया ई कॉमर्स ऐप में क्या है, ई कॉमर्स तो आपने पहले ही बोला था सब बनाते हैं, ई कॉमर्स तो बहुत आसान है, उडेमी में मिल जाता है। हाँ हाँ सब सही बात है, लेकिन अगर तुम ई कॉमर्स ऐप में एक पेमेंट गेटवे का इंटीग्रेशन कर सको, जैसे कि रेजर पे का, तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, क्योंकि अब आपका ऐप सिर्फ अपने लिए नहीं, किसी और से भी बातें कर रहा है। और जैसे ही वो इंटीग्रेशन होता है, बहुत सारी चीजें सीखते हो कि कैसे एक्सटर्नल एपीआई से बात करना है, कैसे एक हुक को कॉल करना है, कैसे कंफर्मेशन पेज दिखाना है, बहुत सारी चीजें होती है। और आपका ई कॉमर्स ऐप बाकी ई कॉमर्स ऐप से, जो छोटे बच्चे बना रहे होते, जो बिगनर्स बना रहे होते, उनसे बहुत बेटर हो जाता है। दूसरा कॉम्प्लेक्स ऐप है मैप ऐप। मैप ऐप क्या होता है, आपने गूगल मैप या मैप बॉक्स के एपीआई को यूज किया, उसमें कई सारे फीचर डाले। कैसे फीचर्स डाल सकते हो आप, जूम इन पिंच आउट, मार्कर्स लगाना, जियोलोकेशन करना, राउट कैलकुलेशन करना, ये जो है एक साधारण ऐप में नहीं होता, ये बिल्कुल ही डिफरेंट ऐप है। और इसमें बहुत सारी चीजें है ना, आप राउट लगा रहे हो, ऊपर नीचे कर रहे हो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हो, कैलकुलेशंस कर रहे हो, ये सब जो आप करके और जो विजुअली उसको दिखा रहे हो, ये सब जो आप करोगे तो आप फिर से स्टैंड आउट करोगे, क्योंकि नॉर्मली ये एप्स आपको ट्यूटोरियल पे भी नहीं मिलते हैं। तीसरा कॉम्प्लेक्स ऐप है फोटो एडिटिंग ऐप। फोटो एडिटिंग ऐप में बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको पहले फोटो अपलोड करने आना चाहिए, उसके बाद उसको क्रॉप करना, उस पर ओवरले डालना, उसकी एडिटिंग करना, ये सब कुछ आप कैनवस पे कर सकते हैं। और इसके लिए आप fabric.js और camin.js जैसे लाइब्रेरीज भी यूज कर सकते हैं। अगेन ऐसे ऐप्स में बहुत सारे फीचर है, आप अगर इंस्टाग्राम को उठाओ तो उसमें फोटो एडिटिंग में कितने सारे फीचर है, आपको कॉन्ट्रास्ट एडिट करना है, आपको यू एडिट करना है, आपको अलग अलग फिल्टर भी, प्री बिल्ट फिल्टर्स भी लगा सकते हो आप, क्रॉप तो है ही है, रोटेट है। मोबाइल फोन में करना भी काफी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जब आप वेब में करते हो तो लोग समझ में आता है कि भाई इससे तो जावास्क्रिप्ट अच्छे से आती है। चौथा है लर्निंग ऐप। फिर से आप कहोगे कि लर्निंग ऐप में क्या कॉम्प्लेक्सिटी, अरे बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है। लर्निंग ऐप जो हम सोचते हैं, तुम सोचते हैं गूगल क्लासरूम जैसा कुछ, नहीं, थोड़ा और सोचिए, एक व्हाइट बोर्ड बनाइए, उस व्हाइट बोर्ड में लोग ड्रॉ भी कर सके, एनोटेट भी कर सके, टेक्स्ट भी कर सके, फिर भी इजी लग रहा है। अब इसको रियल टाइम कर दीजिए, ताकि 2-4 लोग एक साथ कर सके, सबका हैंड दिखे आपको, जैसे फिक जैम होता है, उस तरह का कुछ अगर आप कैनवस बोर्ड बनाना चाहते हैं जिसको आप रियल टाइम सिंक भी कर सको, उसमें कमेंटिंग फीचर भी हो, टेक्स्ट फीचर भी हो, ड्राइंग फीचर भी हो, एनोटेशन भी हो, डिलीशन भी हो, तो इतने सारे फीचर्स, इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है इसमें। अगर आप ये करना चाहते हो तो आप रिएक्ट स्केचपैड या fabric.js यूज कर सकते हो, और इससे आप एक कोलैबोरेटिव लर्निंग टूल, लर्निंग ऐप बना सकते हो। जब आप इसको वेब में बनाओगे तो फिर से आपकी बहुत वाहवाही होगी। पांचवा है बुकिंग ऐप। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन इसमें आपको कैलेंडर मैनेजमेंट करना पड़ता है, कैलेंडर इंटीग्रेशन करना पड़ता है। जैसे कैलेंडली है, कैलेंडली इज सच काइंड ऑफ एन ऐप जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है बट बहुत इजी भी नहीं है। कैलेंडर मैनेज करना, अलग अलग कैलेंडर्स इंटीग्रेट करना, टाइम स्लॉट्स मैनेज करना, वो व्यू को दिखाना, वो एक्सेस लेना, वो सब में काफी सारा टाइम जाता है कि आप दूसरे एपीआई से कैसे इंटीग्रेट कर रहे हो और ये सारे एक्सेस कैसे मैनेज कर रहे हो। आपके कैलेंडर ऐप का जो यूआई है वो भी काफी डिफरेंट है बाकी सारे ऐप से, जहां पर आप लिस्ट करते हो, चीजें करते हो, यहां पर आपको एक कैलेंडर यूआई बनाना पड़ता है और उसमें स्लॉट्स फिल्ड या ओपन ऐसा दिखाना पड़ता है, तो कॉम्प्लेक्सिटी इसकी भी अच्छी खासी है और लर्निंग इसमें भी काफी सारी है। सिक्स्थ है फूड डिलीवरी ऐप। ये भी थोड़ा थोड़ा मैप ऐप के जैसा ही कॉम्प्लेक्स है। इसमें भी आप गूगल मैप्स के एपीआई यूज कर सकते हैं और बता सकते हैं जोमेटो में आपको दिखता है कि कितना टाइम लगेगा इसको आने में, राउट कैलकुलेशन, टाइम कैलकुलेशन, जियो टैगिंग, जियो लोकेशन, ये सारी पीसेज आप कर सकते हो इसमें भी, और वो एनिमेशन वगैरह भी दिखा सकते हो, तो कॉम्प्लेक्सिटी इसकी भी काफी सारी है और अच्छा खासा एपीआई इंटीग्रेशन भी है इसके अंदर, तो एक बढ़िया कॉम्प्लेक्स ऐप बना सकते हो अगर आप फूड डिलीवरी के इस पीस को अच्छे से नेल कर पाओ जावास्क्रिप्ट में। तो सेवेंथ है वर्चुअल टूर ऐप। आप ये भी जावास्क्रिप्ट में बना सकते हो, आज के समय में वेब पे बना सकते हो, और बहुत ही सुंदर और कॉम्प्लेक्स ऐप है ये, क्योंकि इसमें आप पैनोरमिक व्यू से किसी को कहीं भी बैठे दूसरी जगह का पूरा व्यू दिखा सकते हो। कैसे करते हैं ये चीज, ये आप कर सकते हो रिएक्ट 3 फाइबर से या ए फ्रेम से, जैसे हमने मेटावर्स बनाया है रिएक्ट 3 फाइबर में, इनवैक्ट में, उसी तरह आप एक रियल लाइफ 3D वर्ल्ड बना सकते हो जिसमें फोटोज रखे हो। इसमें आप कोई म्यूजियम बना सकते हो, कोई आर्ट गैलरी बना सकते हो,
काफी इंटरेस्टिंग चीजें की जा सकती हैं इसके अंदर भी, और बहुत डिफरेंट है कंपेयर टू एवरीथिंग एल्स विच वी हैव डन। जो क्लिक एप्स और लिस्ट एप्स होते हैं उनसे बहुत ही अलग है इसकी दुनिया, और इसके इंटरेक्शन भी बहुत डिफरेंट होते हैं। इसमें क्लिक इंटरेक्शन नहीं होता है, इसमें टच इंटरेक्शन कर सकते हो, जूम इंटरेक्शन कर सकते हो, आप अपने आप को टेलीपोर्ट कर सकते हो, तो काफी सारी चीजें होती हैं इसमें करने को 3D वर्ल्ड में रिएक्ट 3 फाइबर और जावास्क्रिप्ट के साथ। देखो एक से एक वीडियोस बनते हैं, बट तुम सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो वीडियो खत्म करने के पहले सब्सक्राइब करना मत भूलना। 8th है चैट ऐप। चैट ऐप रिलेटिवली थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है बाकी चीजों से, लेकिन इन एप्स में उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। चैट ऐप में आपको सॉकेट कनेक्शन बनाना आना चाहिए, आपको सॉकेट मैनेजमेंट आनी चाहिए, आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए क्या आप सॉकेट के ऊपर प्रेजेंस डिटेक्शन कर सकते हैं, जिसमें आता है ना टाइपिंग, सामने वाले का टाइपिंग दिखता है, ब्लू टिक दिखता है, वो सब चीजें कर सकते हो कि नहीं। उसके बाद क्या उसके ऊपर आप मल्टीमीडिया फाइल सपोर्ट दे सकते हो, इमेज सपोर्ट दे सकते हो, वॉइस सपोर्ट दे सकते हो, तो ये चीजें आप करोगे तो चैट ऐप आपका काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जैसे एक व्हाट्सएप या टेलीग्राम देखो तो देखो काफी कॉम्प्लेक्स है, और जो भी हम बाकी के ऐप्स देखते हैं जिसमें स्क्रीन्स होते हैं और स्क्रीन्स आते जाते रहते हैं और यूआई डेटा फेच करता है, उससे चैट ऐप काफी डिफरेंट है, क्योंकि एक परसिस्टेंट कनेक्शन बना के रखना पड़ता है चैट ऐप के लिए। लेकिन आप बहुत सारे परसिस्टेंट कनेक्शन बना के नहीं रख सकते हर टाइम पे, क्योंकि उसका सर्वर पे लोड आता है, तो आपको वो ही मैनेज करना पड़ता है कि सर्वर पे मैं कैसे मिनिमम नंबर ऑफ कनेक्शन ही बना के रखूं। अगर कोई नहीं यूज कर रहा है, चैट नहीं कर रहा है, तो उसका सॉकेट को जाने दूं, और जब वो वापस से यूज करे तो एक नया सॉकेट बन जाए। तो इन चीजों के बारे में भी काफी सारा ध्यान रखना पड़ता है एक चैट ऐप में। 9th कॉम्प्लेक्स ऐप है स्क्रीन शेयरिंग। क्या आप अपना मीट, क्या आप अपना जूम, क्या आप अपना टीम्स बना सकते हो जिसमें स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, वेब आरटीसी के थ्रू ये कर सकते हैं। कई सारे ऐसे लाइब्रेरीज भी हैं, जैसे अगोरा है, 100ms है, बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जिनके थ्रू आप ये कर सकते हो, और इसमें भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। सिर्फ स्क्रीन शेयर नहीं करना है, स्क्रीन को रिकॉर्ड भी करना है, बीच में कैप्चर भी करना है, स्क्रीन शेयरिंग के परमिशंस भी हैं, साथ में चैट भी लगा सकते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है जब आप स्क्रीन शेयरिंग करने जाते हो। अपना जी मीट जैसा कोई ऐप बनाना चाहते हो तो काफ़ी मज़ेदार चीज़ें हो जाती है, आप उसमें वॉइस भी इनेबल कर सकते हो। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ आता है परमिशन मैनेजमेंट, तो आपको ये भी मैनेज करना है कि किसको स्क्रीन शेयर करने का एक्सेस है, किसको नहीं है, कौन व्यूअर है, कौन होस्ट है, कौन को होस्ट है, तो बहुत सारी चीजें आती हैं। और आप इसके लिए एक लाइब्रेरी भी यूज कर सकते हो, आप इसको नेटिव भी यूज कर सकते हो, और जैसा भी आप बनाओगे ये अच्छा खासा एक कॉम्प्लेक्स ऐप है जो आपके पोर्टफोलियो पे शाइन करेगा। 10th है सोशल मीडिया ऐप। सोशल मीडिया ऐप काफी सारे ट्यूटोरियल्स में रहता है, लेकिन जो चीज वो मिस कर जाते हैं, हर कोई मिस कर जाता है, कि सोशल मीडिया ऐप में जो इनफाइनाइट फीड होती है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई होती है। इनफाइनाइट फीड में पेजिनेशन करना, इनफाइनाइट फीड में स्क्रॉल मैनेजमेंट करना, कि मैंने जब ऐसे स्क्रॉल कर दिया तो स्क्रॉल कहाँ जाके रुकेगा और वहां पर कौन सी फीड, मतलब क्या व्यूज दिखाएंगे। जब आप ऐसे स्क्रॉल करें तो आपको एक एक्सपेक्टेशन होती है ना कि मैंने ऐसे ऐसा किया ऐसे किया और 10 पन्ने गायब हो गए, तो 10 पन्ने के बाद 11वां पन्ना को फेच करना और उसके साथ साथ फिल्टर कर पाना, और ये पूरा का पूरा चीज, जब क्या होता है जब आप ऐसे ऐसे करते हो तो जब आप जहां रुकते हो वहां पर सपोज करो आप 10 पोस्ट या 10 ईमेल्स दिखा रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपने रुके अब यूजर जो है ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, और ये भी पढ़ सकता है, तो आपको कैश में ऊपर के जो 10 होते हैं उनका एक प्रीव्यू लोड करके रख लेना होता है, नीचे के जो 10 हैं उनका प्रीव्यू लोड करके रखना पड़ता है, और ये जो 10 हैं इनका डिटेल भी लोड कर लेना होता है बैकग्राउंड में। तो ये जो बैकग्राउंड में फेचिंग होती है और बैकग्राउंड में कैश मैनेजमेंट होता है जो फ्रंट एंड में आप करते हो, काफी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं इसमें, बहुत मजेदार पीसेस हो सकते हैं यहाँ पर। तो इसलिए सोशल मीडिया या कोई भी इनफाइनाइट स्क्रॉल जब आप मैनेज करते हो तो वहां पर आपको बहुत कुछ सीखने मिल सकता है, वर्चुअलाइजेशन सीखने मिल सकता है कि कैसे मैं सारा का सारा एलिमेंट जो है उसको डॉम पे ना लोड करूं, क्योंकि जैसे अगर आप सब कुछ लोड करने लगोगे तो आपका फ्रंट एंड का जो ऐप है, आपका ब्राउजर जो है वो बहुत स्लो हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तो ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और ये यूजर के लिए ऐसा ऐप बनाना जिसका एक्सपीरियंस बहुत सीमलेस हो, जिसमें यूजर को बार बार ऐसा लगे कि अब एक और देखना है तो मुझे वेट करना पड़ेगा कि डेटा सर्वर से आएगा तो मैं देखूंगा, ये ना करना पड़े, इसमें काफी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हो जाती हैं। तो अगर आप इन 10 में से कोई एक दो ऐप भी बना लेते हो तो आपका रिज्यूमे, आपका पोर्टफोलियो बहुत ही ज्यादा स्टैंड आउट करेगा एक रिक्रूटर या हायरिंग मैनेजर के सामने, और आप बिगिनर से थोड़े ऊपर लेवल पे जरूर दिखोगे हर किसी को। कमेंट में मुझे बस इतना बताना कि तुम कौन सा ऐप बनाने वाले हो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।